केन्या और तंजानिया के मसाई जनजाति हाइना को इतना मानते हैं कि वह अपने परिवार के मृतक शरीर को जलाते या दफनाते नहीं हैं, वह हाइना को खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी हम लोग जानेंगे हाइना के बारे में। हाइना एक ऐसा खूंखार शिकारी है जिसे जंगल का राजा भी डरता है। हाइना एक मांसाहारी और स्तनधारी प्राणी होता है। यह एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। यह देखने में कुत्ते जैसा होता है, बट इसका कुत्ते से कोई लेना देना नहीं होता है। यह कुत्ते से कहीं ज़्यादा तेज और कहीं ज़्यादा उससे खतरनाक भी होता है। हाइना खाना छीनने के लिए जाना जाता है जंगल में। वह चाहे शेर हो या कोई भी जानवर हो, वह अगर झुंड में हो तो किसी से वह खाना छीन सकता है। ऐसा लगता है कि उसका खाना छीनना जन्मसिद्ध अधिकार है। हाइना की बात करें तो यह चार प्रकार के होते हैं, धब्बेदार, भूरा, धारीदार और कीटभक्षी। इसमें से सबसे खतरनाक जो होता है वो स्पॉटेड हाइना होता है, यानी धब्बेदार हाइना होता है। इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो यह 12 से 25 साल तक यह जी सकता है। स्पीड इसका 64 किलोमीटर पर आवर होता है और बाइट फोर्स 1100 PSI, यानी कि शेर, चीता और तेंदुए से भी ज़्यादा होता है इसका बाइट फोर्स। तभी तो इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाता है, इतना शिकार करने में माहिर होता है। हाइना को जंगल का सफाई कर्मी भी कहा जाता है या पर्यावरण का रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि वह जंगल में जितने भी सड़े गले मांस या दूसरे जानवरों द्वारा छोड़ा हुआ मांस को वह चट कर जाता है, जिससे जंगल में सफाई बना हुआ रहता है। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानवर होता है। इसका होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सफाई बना रह सकता है। अब इसका पॉपुलेशन की बात करें तो अभी पूरे धरती पर 10,000 के अराउंड जो वयस्क हाइना है वो अभी है, यहाँ है, और इसकी जाति विलुप्त होने के कगार पे जा रहा है। इसकी नर और मादा दोनों में गुप्तांग सेम ही होता है, बट बच्चे का जन्म सिर्फ मादा ही देती है। जन्म के बाद इसके बच्चे को 5 से 9 दिन तक आँख बंद ही रहता है इसका। इसके बच्चे में जितने भी हाइना के मादा समूह होते हैं वो सारे मिलकर इन लोग के बच्चे को ध्यान रखते हैं, और जो बच्चे होते हैं वह शिकार के लिए जाते हैं। 2 सप्ताह तक यह इनके बच्चे अपने माद में ही रहते हैं, उसके बाद ही वह बाहर निकलते हैं। हाइना के बच्चे 2 से ज़्यादा भी होते हैं। अब जब ज़्यादा होते हैं तो हाइना के पास 2 ही निप्पल होते हैं, जिससे दूध पीने में इनके बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जिससे लड़ाइयाँ भी बच्चे में होते रहता है। हाइना के बच्चे 2 साल में ही वह संभोग करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। प्राचीन मिस्र में हाइना को पालतू भी बनाया जाता था और कुछ लोग इसका शिकार भी करते थे। लकड़बग्घा जब हंसता है तो उसका मतलब ये है कि उसे शिकार मिल गया है। लकड़बग्घा की और भी ये है कि अगर वह जंगल में शिकार तो करता ही है, बट उसके अलावा वह मछली पकड़ने में भी वह माहिर होता है। हाइना की करीबी की बात करें तो उसका जो रिलेटिव होते हैं मोंगोज होता है और मरकट होता है, ये उसका रिलेटिव होते हैं। हाइना काफ़ी खूंखार जानवर होता है। हाइना में से एक है धारीदार लकड़बग्घा। यह बोलने में तो बहुत कम बोलता है। यह एक दूसरे से संपर्क करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाकर ही समझ लेता है। यह हाइना जो 2.4 करोड़ वर्ष पहले से ही इस धरती पर है, इसका जो बाइबल ग्रंथ है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। हाइना की क्षेत्र की बात करें तो वह अपने क्षेत्र की रक्षा वह अपने निशान मल मूत्र से बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे जानवर उसके क्षेत्र में एंट्री ना करें या दूसरे ग्रुप को हाइना उसमें एंट्री ना करें। इसकी पाचन तंत्र की बात करें तो इसका इतना
मजबूत होता है कि यह जानवरों की हड्डियां तक को भी पचा सकता है। वह तभी तो वह दूसरे जानवरों की हड्डियों तक तोड़कर भी खा जाते हैं। वो देख सकते हैं कितने बुरी तरह से नोचने में लगा हुआ है। हाइना दिन में तो शिकार करते ही करते हैं, वह रात में भी इससे अधिक शिकार करते हैं, क्योंकि इस रात में उसको देखने और सुनने की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइना हमेशा आप देख सकते हैं कि वह झुंड में ही रहना पसंद करते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं। केन्या और तंजानिया के मसाई जनजाति इसको इतना मानते हैं कि अपने परिवार के मृतक शरीर को वह जलाते या दफनाते नहीं हैं, वह उसको खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उन लोग इसको कितना मानते हैं। ये जो हाइना होता है वह अपने शरीर पे बाल को खड़ा कर रख लेता है ताकि दूसरे जानवर इसे देखकर डर जाए और भाग जाए, क्योंकि बड़ा तो दिखाना पड़ेगा। अब बड़ा तो ये होता नहीं उतना ज़्यादा, तो अपने बाल को ही बड़ा कर लेता है जिससे वह बड़ा दिखे। हाइना के वजन की बात करें तो जो चित्तीदार यानी स्पॉटेड हाइना होता है वह नर से फीमेल यानी मादा कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें 3 गुना अधिक टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। मादा जो होती है वह काफ़ी आक्रामक होती है, काफ़ी गुस्सैल होती है और उसे पावर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। शिकार भी वह नर से ज़्यादा करता है। हाइना की बात करें तो यह 95% आहार तो अपने दूसरे को शिकार पर ही निर्भर होता है, तो शिकार को मारकर ही करते हैं। इन चारों जो हाइना होता है उसमें से सबसे जो छोटा होता है एड वुल्फ नाम से वह जाना जाता है। वह 33 से 41 इंच तक का ही होता है। वजन की बात करें तो वह 18 से 14 किलोग्राम तक होता है। यह एड वुल्फ जो हाइना होता है यह कीड़ा मकोड़ा को खाकर अपना पेट भरता है। यह मुख्य रूप से दीमक को खाता है और ऐसा मानना है कि यह एक रात में 30,000 से अधिक दीमक को भी खा सकता है। हाइना को अपने खाना कभी वेस्ट नहीं करते, वह कितना भी खा ले वह हमेशा भूखा ही दिखता है। एक हाइना की बात करें तो वह 15 केजी तक एक बार में मीट को वह खा सकते हैं। उसके बच्चे को साबक कहा जाता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। हाइना शिकारी तो होता ही है, वह साथ में मुर्दा खोर भी होता है। हाइना की बात करें तो उसका अगर पूंछ सीधा है तो इसका मतलब ये है कि वह शिकार के